हाय वेलकम टू किड्स कार्टून चैनल। हो मुरथल नाम के एक गांव में एक बहुत ही मशहूर ढाबा था। पूरे गांव के लोग उसी के पास खाना खाने आते थे। ढाबे का मालिक और उसका बेटा मन लगा के काम करते। धंधा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है राजू। वो तो है बाबूजी, आजकल तो दूसरे गांव के लोग भी खाना खाने अपने पास ही आते हैं। ये तो अपनी मसालेदार और मलाईदार लस्सी का कमाल है। रामलाल की लस्सी हर जगह मशहूर है। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या इतनी बढ़ती गई कि उन दोनों के लिए संभालना मुश्किल हो गया। एक दाल मखनी, बटर नान और लस्सी देना। जी माफ कीजिए, लस्सी तो खत्म हो गई है। आखिरी ग्लास का ऑर्डर भी ले चुका हूँ, पर आप बैठिए, मैं आपको बाकी का ऑर्डर दे देता हूँ। नहीं 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 भाई रामलाल, अब रोज खाने के साथ तुम्हारी लस्सी की आदत पड़ गई है, इसलिए रोज अपने ब्रेक में तुम्हारे ढाबे पे चला आता हूँ। अब बिना लस्सी खाना गले से कहाँ उतरेगा। इतना कहकर बंटी वहाँ से निकल जाता है। अरे सुनिए तो, साथ में दो गुलाब जामुन मुफ्त है, तू ही खा लेना। राजू सब देख रहा होता है। बाबूजी काफी दिन से लस्सी दोपहर तक ही खत्म हो जा रही है, तो फिर उसके बाद लस्सी ना मिलने की वजह से बहुत से कस्टमर नाराज हो रहे हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो ढाबा बंद करने की नौबत आ जाएगी। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन करे तो क्या करे। अभी पिछले महीने ही ढाबा बड़ा करवाने में सारे जमा किए हुए पैसे खर्च हो गए। अब लस्सी के लिए नया नौकर कैसे रखूं? कुछ और सोचना पड़ेगा। शाम को दोनों घर पहुंचते हैं। ये क्या माँ, तुम फिर से हाथ से कपड़े धो रही हो? ये इतनी बढ़िया स्लर्पुल की वॉशिंग मशीन लेके दी है तुम्हें, तो तुम अपने हाथ से कपड़े धोने की वजह से क्यों अपने हाथ खराब करती हो? तुझे तो पता है ना राजू, मुझे कहाँ आती है ये मशीन चलानी। बताया तो था ना, पहले डालो कपड़े, फिर डालो पानी, फिर डालो सर्फ और मशीन घूमना शुरू। पहले डालो कपड़े, फिर डालो पानी, फिर डालो सर्फ और मशीन घूमना शुरू। पहले डालो कपड़े, फिर डालो पानी, फिर डालो सर्फ और मशीन घूमना शुरू। हाँ हाँ बेटा समझ गई, पर मुझसे नहीं चलेगी ये। वो ना मुझे इस मशीन की धुलाई पसंद नहीं है। ठीक है माँ, अब तुम्हें मशीन नहीं चाहिए तो मैं मान लेता हूँ। अगले दिन राजू दुकान में घर से वॉशिंग मशीन मंगवाता है। हाँ भैया यही रख दो। राजू ये क्यों मंगाया हो? अब माना कि धंधा थोड़ा मंदा है, मगर इतना भी नहीं कि ढाबा बंद करके अब धोबी घाट खोलना पड़े। ऐसा नहीं है बाबूजी, आप बस देखते जाओ। पहले डालो दही, फिर डालो गुलाब जल, फिर डालो हमारे स्पेशल मसाले और मशीन घूमना शुरू। ये लीजिए, 5 मिनट में मशीन भर के लस्सी तैयार। रामलाल लस्सी को चखता है। वारे वाह, हैरानी है, उम्दा, बिल्कुल वैसा ही स्वाद। बड़ा समझदार है रे तू, मेरा राजकुमार। किसे पता था तेरे माँ के हाथ से कपड़े धोने की आदत हमारे बिजनेस के काम भी आएगी। राजू और रामलाल अपने ग्राहकों को लस्सी परोसने लगते हैं। धीरे धीरे रामलाल का ढाबा वॉशिंग मशीन वाले ढाबा के नाम से मशहूर होने लगता है। राजू बेटा,
अब मुरथल से आने जाने वाला हर कोई तुम्हारी हाईटेक वॉशिंग मशीन वाली लस्सी के लिए ढाबे पे जरूर आता है। क्या कमाल किया है तुमने। आप ही का बेटा हूँ बाबूजी, और वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही खोज की जननी है। इतने में बंटी ढाबे पे आता है। अरे बंटी भाई, इतने दिनों बाद आए आप। हाँ भाई रामलाल, अब ये बताओ आज लस्सी मिलेगी या नहीं, ये बताओ कौन से फ्लेवर में चाहिए। शिक्षा, मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ही खोज की जननी है।